Shri Anurag Singh Thakur. मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मोदी जी की सरकार में जो जिम्मेदारी मिली है उसके लिए मैं माननीय मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं और जो जिम्मेदारी उसको और गंभीरता से निभाएंगे और देश के विकास में अपना योगदान देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद, जिनके सहयोग और आशीर्वाद से अनुराग को ये सम्मान मिला है। मैं आशा करता हूँ समर्पण की भावना से देश सेवा करेंगे और इसका लाभ देश को, प्रदेश को और सबको होगा। साथ ही हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का भी धन्यवाद, जिन्होंने लगातार 4 बार जिताकर एक नया कीर्तिमान भी स्थापित किया और रिकॉर्ड मतों से जिताया भी है, ये श्रेय भी उनको भी जाता है। सर, देखिए, सफलता के बाद टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं होती। कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने मजबूरी में टिप्पणियां की होंगी, दिल से वो भी जानते थे कि क्या होने वाला है और जो होना था वो हो गया। का प्रेरोगेटिव होता है, अपना आंकलन वो करते हैं, उसके अनुसार और समय और स्थिति के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देना होता है, कुछ नए लोगों को लाना होता है, नए और पुराने, नया जोश भी हो और पुराना अनुभव भी साथ हो। कुल मिलाकर शायद प्रधानमंत्री ने ऐसा प्रयास किया होगा, ये उनका ही निर्णय है, जो निर्णय लिया है वो सबको स्वीकार्य है।